जम्मू के इलाके में बीते कुछ महीने में आतंकवादियों के हमले काफी बढ़ गए हैं। इन हमलों को लेकर सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि घुसपैठिए आतंकी पिछले 6 महीनों में देश में घुसे हैं और इनमें से पाकिस्तान के पंजाब और खैबर पख्तूनवा के आतंकवादी शामिल हैं। इनमें से ज्यादातर आतंकवादियों का जैश ए मोहम्मद से जुड़े होने का शक है। पुंछ राजौरी में हुए हमले की जिम्मेदारी पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने ली थी, जबकि डोडा कठुआ में हुए हाल ही में हमलों की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स ने ली थी। इन आतंकवादियों का हमला करने का तरीका देखकर सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि ये दोनों ही संगठन का संबंध जैश ए मोहम्मद से है। सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि ये आतंकवादी काफी ट्रेंड हैं। इसके साथ ही खैबर पख्तूनवा के आतंकवादियों को अफगानिस्तान में युद्ध का अनुभव भी हो सकता है। सूत्रों का कहना है कि इनमें से पाकिस्तानी सेना के पूर्व सैनिक भी हो सकते हैं। इस साल हुए 6 अलग-अलग हमलों में अब तक 11 जवान शहीद हो चुके हैं। ये हमला आमतौर पर 3 से 5 लोगों के समूह द्वारा किए जाता है। इनमें से ज्यादातर मौतें पिछले कुछ हफ्तों में हुई हैं। इसके अलावा पिछले महीने रिहासी में एक यात्री बस पर हुए हमले में 9 यात्रियों की मौत हो गई थी। जम्मू क्षेत्र में अक्टूबर 2021 से सटीक हमलों का सिलसिला जारी है। इस साल जून जुलाई में हुए हमलों में से पिछले 2021 में अब तक सेना के लगभग 40 जवान शहीद हो चुके हैं। हालांकि पहले के LOC के पास पुंछ राजौरी सेक्टर में ये हमले केंद्रित थे, लेकिन हाल ही में हुए हमले डोडा कठुआ और रियासी जैसे क्षेत्रों में हुए हैं। जम्मू कश्मीर में एक सुरक्षा अधिकारी का कहना है कि इन आतंकवादियों का अलग समूह है जो पिछले 6 महीनों में घुसपैठ कर चुके हैं। हमें संदेह है कि पुंछ राजौरी सेक्टर में आतंकवादी उस क्षेत्र में ही सक्रिय हैं। माना जा रहा है कि नए समूह को 4-5 छोटे समूह में बांट दिया गया है। जम्मू कश्मीर के एक अन्य अधिकारी ने आतंकवादी गतिविधियों पर कहा कि पुंछ राजौरी और डोडा कठुआ रियासी दोनों में ही एक सक्रिय समूह का तरीका सामने आया है। उन सभी के पास एक जैसी ट्रेनिंग है। इसके साथ ही वो जब हमला करते हैं तो उनका वीडियो बनाते हैं। जम्मू कश्मीर में बढ़ रहे आतंकी हमलों के बाद सुरक्षा बलों के कई अभियान भी चलाए गए हैं, लेकिन हमारी सेना को ज्यादातर सफलता नहीं मिली है। बीते दिनों हो रहे हमलों के बाद आतंकवादी घने जंगल में गायब हो जाते हैं। ऐसे पहाड़ी जंगलों में उनका पीछा करना या उनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। हालांकि उन इलाकों में सेना सतर्कता से आतंकवादियों के पीछा करने में एक वायु सेना की गाड़ी भी हाथ लगाकर बैठी है। सूत्रों के अनुसार कठुआ में हाल ही में सेना के काफिले पर हुए हमले की तरह कई हमलों में आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों के हथियारों और बुलेट प्रूफ जैकेट को भी लूट लिया। सूत्रों के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों को और नुकसान उठाना पड़ा है। उदाहरण के तौर पर अक्टूबर 2021 में पुंछ में गली में घात लगाकर किए गए हमले में 5 सैनिक शहीद हो गए और बाकी 5 सैनिक तब मारे गए जब उन्होंने हमलावर का पीछा किया। मई 2030 में राजौरी के कांडी जंगल में 5 पैरा कमांडो शहीद हो गए थे जब वो संदिग्ध आतंकवादियों को अपना भोजन लेने का इंतजार कर रहे थे। हाल ही में हुए डोडा हमले में भी कुछ यही ट्रेंड फॉलो हुआ। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।